24 फरवरी 2021 का दिन उत्तराखंड के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। इस दिन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत राज्य एटीएस के पहले महिला कमांडो दस्ते का शुभारंभ करेंगे। महीनों की कड़ी ट्रेनिंग के बाद महिला कमांडो राज्य और देश की सुरक्षा का मौका मिलने को लेकर बहुत उत्साहित हैं। ये मौका मिलने पर महिला कमांडो सीएम को धन्यवाद करने के साथ महिलाओं के लिए प्रेरणा बनने की बात गर्व से कह रही हैं। सर, मैं अपने ऑनरेबल सीएम सर का थैंक यू करना चाहूंगी कि उन्होंने पहली बार उत्तराखंड में वुमेन कमांडो का गठन किया। इससे और महिलाओं को भी प्रेरणा मिलेगी कि वो भी इस तरीके की चुनौतीपूर्ण जो भी कंडीशन आती है उसको हैंडल कर सकती हैं। और हम इस ट्रेनिंग से हमको ये सीखने को मिला है कि कठिन से कठिन समय में भी हम किस तरीके से अपने आप को तैयार कर सकते हैं। कमांडो जैसी कठिन ट्रेनिंग वाले दस्ते में जाने को लेकर उनका कहना है कि श्रम करने में मेहनत तो लगती ही है, लेकिन हम खुश हैं। प्रॉब्लम तो होती है क्योंकि नॉर्मल लाइफ से एकदम कमांडो लाइफ में आना थोड़ा टाइम लगता है, बट अब हम इसके आदी हो चुके हैं। यस सर, चुनौती तो है, लेकिन हम हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। ईटीवी भारत ने एक और महिला कमांडो से बात की तो उनका कहना था कि मोटिवेटेड फील कर रही हैं। मैं सबसे पहले हमारे ऑनरेबल सीएम सर का, हमारे डीजीपी सर का, आईजी सर का, डीआईजी सर का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि इससे पहले हमारे उत्तराखंड में कमांडो की कोई टीम नहीं थी सर। तो हमारे सीएम सर को, डीजीपी सर को मैं महिला कमांडो टीम का गठन करने के लिए तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी सर। इस कमांडो टीम के गठन के बाद हम अपने आप को काफ़ी मोटिवेटेड फील कर रहे सर, क्योंकि इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, जैसे वेपन से लेकर और हम दूसरों को कैसे, जैसे काउंटर टेररिज्म है, काउंटर इंसर्जेंसी है, और मेन ये है सर कि एक्सट्रीम सर्वाइवल टैक्टिक्स, हम कैसे कम संसाधनों के साथ भी दुश्मन से लड़ सकते हैं, और CQB CQC हम कैसे उससे बिना वेपन के या बिना वेपन के हम कैसे दुश्मन से लड़ सकते हैं सर। महिला कमांडो का कहना है कि बहुत हार्ड वर्क किया है, ट्रेनिंग में बहुत कुछ सीखा है। अभी तक की ट्रेनिंग में हमें बहुत अच्छा लगा सर, हमने काफ़ी हार्ड वर्क किया है और अभी हमने ये यहाँ पे ये सब सीखा है। यहाँ पे हमारा डेमो होने वाला है अभी और हम इसमें बहुत अच्छा करने की कोशिश करेंगे। महिला कमांडो का ये भी कहना है कि गवर्नमेंट का वुमेन एम्पावरमेंट का डिसीजन बहुत बढ़िया है। कमांडो सावित्री बिस्ट सर, बिल्कुल स्टार्टिंग प्री कोर्स मैंने ATC हरिद्वार में किया है, वहाँ पर मैंने फिजिकल एफिशिएंसी से रिलेटेड और वेपन हैंडलिंग सीखी थी। उसके बाद हम PTC नरेंद्र नगर में गए हैं, वहाँ पर अभी हमारी ट्रेनिंग चल रही है। तो मैं ये मानती हूँ कि जो गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है वुमेन एम्पावरमेंट का, तो मैं कहती हूँ बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं अब खुद को एक कमांडो की तरह से फील करती हूँ। मैं उस महिला समाज के हिसाब से कमज़ोर नहीं समझती अपने आप को। तो सर, मैं ये मानती हूँ कि हाँ, मेरे अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। सर, चुनौतीपूर्ण तो रही है, क्योंकि वहाँ कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है, कभी भी उठ के हमें एक्सरसाइज करना है या फिर अपने वेपन से रिलेटेड अपनी वेपन की सेफ्टी करनी है, लोडिंग करनी है, तो ये सब चीज़ें सीखी हैं सर। 24 फरवरी 2021 को महिला कमांडो दस्ता देहरादून पुलिस लाइन में अपना डेमो मुख्यमंत्री के समक्ष पेश करेगा। इन महिला कमांडो की खास बात यह है कि इन्हें आतंकवादियों से निपटने के हर गुर में पारंगत किया गया है। ये महिला कमांडो पलक झपकते ही किसी भी तरह के ऑपरेशन को पूरा करने की कुव्वत रखती हैं। ट्रेनिंग इतनी कड़ी और एकाग्रता इतनी ज्यादा है कि आंखों पर काला कपड़ा बांधकर भी ये लक्ष्य को भेद सकती हैं। महिला कमांडो दस्ते की पहली ट्रेनिंग का फेज मार्च के अंत तक पूरा होगा। इसके बाद सबसे पहले महाकुंभ जैसे दुनिया के सबसे बड़े मेले में इनकी पहली परीक्षा होगी। महाकुंभ के बाद इनकी एडवांस कमांडो ट्रेनिंग एक के बाद एक आगे चलती रहेगी। महिलाएं पुरुषों से कहीं भी पीछे नहीं है, इसकी जीता जागता सबूत यह है कि उत्तराखंड की ATS जो विंग है उसमें महिला कमांडो की ट्रेनिंग इन दिनों जोर शोर से चल रही है। नरेंद्र नगर PTC के बाद अब देहरादून के जो
पुलिस लाइन है, यहाँ इनकी बेसिक ट्रेनिंग चल रही है और 21 महिला कमांडो इसकी जो ट्रेनिंग ले रहे हैं वो पूरी तरह से तैयार हैं। आगामी 24 फरवरी को मुख्यमंत्री इनका शुभारंभ करेंगे कि किस तरह से उन्होंने एक उत्तराखंड की जो ATS विंग है उसमें महिलाओं की भागीदारी, जो किसी भी तरह के आपातकाल घटना, एंटी टेररिज्म का जो ऑपरेशन होता है उसमें जो है वो पुरुषों के मुकाबले साथ साथ कंधा में कंधा मिलाकर जो है महिलाएं भी उतनी ही सशक्त के साथ वो अपनी भागीदारी निभाएं, इस तरह से ये ट्रेनिंग यहाँ पर चल रही है और ये बेसिक ट्रेनिंग है, इसके बाद लगातार उनको आगे भी ट्रेनिंग दी जाएगी। परमजीत सिंह, ETV भारत, देहरादून।